हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल भडौली भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी माँ के दर्शन करने आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे लोग स्वस्थ रहे। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि माँ कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी माँ के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं माँ कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की माँ कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।